मेरे अपने चैनल में। अब हम द्वारका में लग चुके हैं और अब हम जो चल रहे हैं तो ये है सुदामा सेतु। तो सुदामा सेतु की ओर हम प्रस्थान कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़े से ये जो शॉर्ट्स दिखाए थे तो उसके बाद में अभी ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो सेतु है, मैं सेतु पर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर चलते चलते मैं आपको सभी जो लुक्स है ये सब दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हाँ तो देखिए ये जो भाई लोग हैं, ये भाई लोगों ने मुझे पूछा। देखिए अब मैं इस साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होती है प्यारे दोस्तों। तो अभी ये देखिए मेरे पीछे जो है वो चले गए अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यहाँ पर होती है और बहुत ही सुंदर सा एनवायरमेंट यहाँ पर है। जो क्वाड्रा बाइक्स होती है तो क्वाड्रा बाइक्स की भी यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। देखिए अब हम जो है ये अंदर एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हो आप। जैसे कि कोई अभी ज़्यादा ट्रैफिक हुई, ट्रैफिक मतलब ज़्यादा लोग, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो ये ऐसे तुरंत लगाने के लिए मैंने ये इस तरह से ये बांध कर रखा है गले में, ताकि ये इमरजेंसी मैं मास्क लगा सकूँ। और तो मास्क पहनना, तो वो जो रेडीमेड मिलते हैं वो मास्क पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रुमाली वही बांधता हूँ क्योंकि हर रोज़ ये इसकी धुलाई हो जाती है, तो इसकी वजह से ये मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे कि देखिए हम आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का जो है पीछे मंदिर भी है, आप देखिए। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर एकदम सुंदर ऐसे ये जो सेतु है, सुदामा सेतु है, तो यहाँ पर अभी लाइट्स लग चुके हैं। ये देखिए कलरफुल लाइट्स का जो शो है ये चल रहा है यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा सुदामा सेतु का यहाँ से व्यू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये केबल पर बना एक ब्रिज है, बहुत ही विहंगम दृश्य है। और इस पर एंट्री करने के लिए दोस्तों 10 रुपये टिकट भी रखा गया है यहाँ से, आप देख सकते हो। गिरनार में नहीं जा पाया क्योंकि सारी ये नाइट डैग इतनी नई हो समझ।